तो है अमरजीत यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो मैं आ जाऊँ सामने लेके आ चुका अपनी किया सोनेट एच टी के प्लस वेरियंट सामने आप देख रहे हो इसकी मैं प्राइसिंग भी बताऊंगा आपको एंड में उसके लिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है ये अपने सेगमेंट में ब्रेजा वेन्यून सब टक्कर लेती है इसके मैं आपको फीचर्स भी दिखाऊंगा टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में क्या क्या फीचर्स आए इसमें कौन कौन से एडिट हुए हैं फेस लिफ्ट है इसका मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा ये अपनी सोनेट का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वेरिएंट है आपको हेडलाइट्स अपनी पूरी हेलिजन मिल जाती है लेफ्ट साइड में आपके टर्न इंडिकेटर नीचे आपको प्रोजेक्टर फोगलेम्पस और ये गाड़ी ना भाई अपने लुक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सब कॉम्पैक्ट ऐसी है ये यहाँ पर आपको किया के लोगो पियानो ब्लैक फिनिश आप में आपको ग्रिल मिल जाती है उसी के नीचे क्रोम और यहाँ पर आपको अच्छी खासी चौड़ाई मिल जाती है गाड़ी की सत्रह सौ नब्बे एम की जो कि क्रेटा के बराबर की है बोर्ड पे भी आपको थोड़ा बहुत कर्व्स मिल जाते हैं साइड लुक दिखाऊं तो साइड लुक अपनी कुछ ऐसी मिल जाती है और इसमें आपको टू हंड्रेड एंड एलेवन एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है व्हील पे आए तो इसका टायर साइज़ है टू फिफ्टीन सिक्सटी आर सिक्सटीन अपने कुछ ऐसे मिल जाते हैं आपको और पे इंडिकेटर ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती है डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं बाकी गाड़ी तो फुल वैल्यू फॉर मनी आप ले सकते हो उसको प्राइस भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसमें बाकी साइड की लुक तो अपनी कुछ ऐसी हो गई थी और तो साइड में कुछ दिखाने के लायक था नहीं पीछे आ जाते इसमें पीछे आपको ऐसी कुछ लुक मिल जाती है शार्क फिन एंटीना हाई स्टॉप लैम्प एंड आपको यहाँ पे रियर डिफोकर भी मिल जाता है टेल लाइट्स अपने कुछ ऐसी मिल जाती है यहाँ पे हेलोजन राइट साइड में इंडिकेटर लेफ्ट साइड में रिवर्स लाइट फुल कनेक्टिंग टेल लाइट है सोनेट की बैजिंग रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे आप मिलते हैं सिल्वर स्क्रिप प्लेट और आप मज़े की बात एक और बताओ इसमें इतनी महंगी गाड़ी है लेकिन फिर भी दो पार्किंग सेंसर दे रखे हैं इस गाड़ी में भाई चार तो देने चाहिए थे कम से कम और आपको पीछे कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलती वो आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंट है ये अभी फ़िलहाल मैं आगे इसलिए आया हूँ आपको चाबी दिखाने के लिए चाबी दिखाना भूल गया मैं गाड़ी की फ्लिप की मिलती है आपको इसमें लॉक एंड लॉक एंड प्रेस करके रखोगे तो आपकी बूट भी ओपन हो जाती है इसमें ठीक है और अगर आप गाड़ी लॉक कल लॉक करोगे तो साउंड भी करेगी अब बढ़ते हैं भाई इसमें इंटीरियर की तरफ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन अवेलेबल नहीं होता अब तो इसमें बाकी ड्राइवर साइड डोर अपना कुछ ऐसा मिल जाता है यहाँ पर आपको थोड़ी आर पार वाली फीलिंग मिल जाती है चारों पावर विंडो मिल जाती है लोकल लोकल बटन और ओ आर वी भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो और ऑटो फोल्ड भी हो जाते हैं यहाँ पर आपको थोड़ी सिल्वर फिनिश दे दी गई है डोर ओपनर के पास नीचे आपको अम्ब्रेला होल्डर और बोटो होल्डर मिल जाता है स्कफ़ प्लेट्स ये एक्सेसरी वरना इसमें नहीं आते यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल और ये सीट रिकलाइन करने का ये हाइट एडजस्टेबल और सीट आप अपनी यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं आता इसमें बाकी इंटीरियर अपना कुछ ऐसा मिल जाता है पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ स्टेयरिंग आपको वही सिंपल सोवर मिलता है फ्लैट बॉटम नहीं मिलता है इसमें बीच में आपको हॉर्न मिलता है और किया का लोगो बीच में और यहाँ से आपने फोलेम्स ऑन कर सकते हो बाकी ऐसा कुछ इंटीरियर है यहाँ से अपनी एमआईडी कंट्रोल और लेफ्ट साइड में स्टीरियो बाकी क्रूज कंट्रोल तो इसमें नहीं मिलता लेफ्ट साइड में आपका आरपीएम मीटर एंड राइट साइड में फ्यूल गेज डिजिटल आपको स्पीड देखने को मिल जाती है बाकी अभी गाड़ी तो 13.3 पॉइंट के एम पल की एवरेज दिखा रही है बाकी पता नहीं और आपको इसमें टी पी एम एस में मिल जाता है बाकी आप स्टेयरिंग से अपनी एम आई डी कंट्रोल कर सकते हो शीड आपने कुछ ऐसे मिल जाते हैं टच स्क्रीन वाला रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड कैमरा मिल जाता है पूरा जैसे ही स्टेयरिंग घुमाओगे उसी हिसाब से आपका वहाँ पर घूमेगा टच स्क्रीन भी आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाती है ज़्यादा लेगी तो नहीं है स्मूथ है ठीक ठाक है बाकी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो हेजर लाइट्स का कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है उसी के नीचे ए सी का दिखा देता है जैसे कितनी स्पीड पे है और नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है फ्रंट डिफोकर एंड रियर डिफोगर यहाँ से अपना ए सी ऑफ कर सकते हो मैनुअली नीचे आपको यूएस भी मिल जाती है और ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का अपना गेयर मिल जाता है क्रोम नहीं आता है इसमें शाइनी कुछ भी नहीं आता हैंड ब्रेक का बटन आपको ब्लैक फ्लेश में मिल जाता है और उसी के लेफ्ट साइड में दो कप होल्डर भी मिल जाते हैं इसमें रेस्ट में भी आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है कूल नहीं है सिंपल है स्लाइडर भी नहीं है ग्लव बॉक्स में भी ठीक ठाक स्पेस है कूल नहीं मिलता है इसमें भी बाकी ऊपर सनराइजर में ड्राइवर साइड आपको कुछ भी नहीं मिलता टिकट होल्डर के अलावा और लेफ्ट साइड में मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट आई आपको मैनुअल मिलता है ऑटोमेटिक नहीं आता ऊपर लाइट्स कंट्रोल। फैब्रिक की के आपको सीट मिलती है लेदर नहीं मिलती दोनों फ्रंट में आपको हेडरेस्ट एडजस्टर पर मिल जाते हैं अब मैं पीछे चल के आपको स्पेस और दिखा देता हूँ न सर लोग करो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ जैसे कि देखो मैं अभी चाबी निकालने जा रहा हूँ और आप एक चीज़ नोटिस करना देखो मैंने चाबी निकाल ली स्टीरियो भी बंद नहीं हुआ अभी जैसे ही मैं गेट खुलूँगा ना तो स्टीरियो बंद होता है वरना वैसे नहीं होता अभी देखो जैसे मैंने गेट खोला और ये अभी बंद हुआ जाके तो आप पीछे चल के हमें पी सी सल और स्पेस दिखा देता हूँ तो आपको कैसा कुछ स्पेस मिल जाता है बैक डोर में भी सिल्वर फिनिश मिल जाती है पावर विंडो एंड नीचे बॉटल होल्डर स्पीकर्स भी मिल जाते हैं आपको चारों एंड एक और चीज़ बता दो इसमें फ़ोर एयर बैग्स आते हैं बाकी और कुछ भी नहीं आता एबीसीबीडी ए बी सी बी डी आता है ठीक है मैं सीट थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा पीछे कर दी थी तो पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा अब बाकी आप खुद स्पेस दे सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है बाकी थाई सपोर्ट तो पीछे इतना नहीं मिलता एंड ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल कुछ ऐसे मिल जाते स्प्रिंग वाले नहीं मिलते और यहाँ से आप हैंग कर सकते हो ऊपर आपको वाइड रूफ मिलती है पीछे भी आपको लाइट मिल जाती है हेलोजन दो ए सी वेंट्स एंड नीचे यू एस भी मिल जाती है और यहाँ पे भी काफ़ी ह्यूज स्पेस है फोन चार्जिंग पर लगा के आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो और बीच में आपको यहाँ पे हम्प भी मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा ताकि जो बीच में बैठे उसको तकलीफ़ हो कि किया के पिलो पीछे के एड्रेस आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते स्टक भी मिलते हैं और आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर कर दी गई है इसमें पीछे स्पेस आप मेरे को कमेंट करके बता देना कैसा स्पेस था गाड़ी में मेरे को तो काफ़ी डिसेंट लगा अच्छा लगा ठीक है अब बूट खोलूं लेकिन उससे पहले एक चीज़ करते हैं की से इसकी बूट ओपन करके देखते हैं मैंने भाई काफ़ी बार ट्राई कर लिया लेकिन की से इसकी बूट ओपन नहीं हुई वो तो मेरे को नहीं पता क्यों नहीं शायद गाड़ी लोक नहीं थी क्या पता उसकी वजह से बिना खुली हो और आपने सिर्फ या तो बूट में नीचे एक डेडिकेटेड बटन दे रखा वहाँ से खोल सकते हो या की से बाकी यहाँ पर आपको हुड का स्विच मिल जाता है लेकिन अंदर की साइड आपको बूट ओपन करने का कोई भी स्विच नहीं मिलता और आपके यहाँ पर रियर कैमरा भी ऑफर कर दिया गया है एकदम छुपा के कनेक्टिंग टेल लाइट के नीचे पीछे से भी काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है इसकी लेकिन जब स्टार्टिंग में आई थी ना मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती थी ये अब मैं खोल के दिखाता हूँ यहाँ से कितना स्पेस मिल जाता है बाकी बात करें बूट स्पेस की तो गाड़ी के हिसाब से तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है पार्सल ट्रे भी मिल जाती है पीछे आपको बूट स्पेस आता है इसमें थ्री नाइन्टी टू लीटर्स का लैंप की बात करें तो लैंप आपको यहाँ पर कहीं भी ऑफर नहीं किया गया है एंड सीट आपके आगे की पूरी फोल्ड हो जाती है बाकी स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर नीचे मिल जाता है स्टील रिम मिलता है पीछे आपको हलो व्हील नहीं मिलता 195, 65, R15 इसका साइज़ है 15 इंच का इसमें स्पेयर व्हील मिलता है बाकी ये मैंने अपनी पूरी गाड़ी दिखा दिया आपको किया सोनेट एच डी के प्लस वेरियंट गाड़ी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना एंड रियर कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है किया के लोगों के ऊपर एकदम काफी छुपा के दे रखा है अब मैं इसका हुड डोर ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको इसे स्विच मिलता है बाकी बोनेट भी आपको काफी अच्छा सा भारी मिल जाता है इंसुलेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलता है वैसे इंजन इतना साइलेंट है इंजन पे आए तो 1200 सी का इसमें इंजन आता है फोर सिलेंडर के साथ जो कि निकालता है अपनी 82 टू बी एच पी विथ वन हंड्रेड एंड टॉर्क बाकी ये वाला वेरिएंट आपको डीजल एंड पेट्रोल में दोनों में मिल जाता है वाइपर्स आपको कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं ऐसे कुछ इसका इंजन था बाकी गाड़ी में मैंने पूरी एक्सप्लोर करवा दिया आपको एंड एक और चीज़ लेफ्ट साइड में आपको इसका फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी कैपेसिटी है फोर्टी फाइव लीटर्स अब बात करें इसके प्राइजिंग की तो पेट्रोल में इसकी प्राइसिंग है नाइन पॉइंट थर्टी नाइन लैक्स एंड डीजल की बात करें तो उसकी प्राइसिंग है टेन पॉइंट नाइन लैक्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो भाई वीडियो देखना आपसे धन्यवाद बाय बाय